हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। ते नवां साल 2023, हैप्पी न्यू ईयर सारिआं नूं। नवें साल दीआं बहुत बहुत मुबारकां तुहानूं सारिआं नूं। ते नवें साल ते इक तुहानूं सरप्राइज़ आ। सरप्राइज़ कोई एड्डी कोई वड्डी गल नहीं हैगी, बट शेयर मैं तुहाडे नाल करदा वां की कारण, उह वी मैं तुहानूं दसदा वां। मैं अप्लाई कीता सी वीज़ा हंगरी दा, ते उह आपां नूं मिल गिआ। क्रिसमस तों पहलों कीता सी। दसण दा की कारण आ मैं तुहानूं दसदा वां। ते क्योंकि मैं जाणा नहीं सी, ना ही मैं जाणा वां, बाकी हो सकदा वा हजे कुछ नहीं पता, बट मेरा दिमाग च इह सीगा कि मैं नहीं जाणा हैगा। मेरा जाण दा कोई नहीं सीगा वी मैं जाऊँगा जां किदां, ते जे दिल कीता जावांगे, बट ज़्यादा चांस ना जाण दी आ। ते उहदा कारण इह आ क्योंकि थोड़ा जिहा टाइम नहीं हैगा मेरे कोल, टाइम की थोड़ी जी प्रॉब्लम आ उहदे करके, जां कुछ मेरे काम आ एक दो इत्थे करन वाले, तो मैं उहनां च बिजी हाँ तां करके। वीज़ा फिर हुण कईआं ने पुछणा वीज़ा लिया वा ते फिर जांदा क्यों नहीं, है ना। वीज़ा लैण दा इह कारण, मेरा एक दोस्त इत्थे आ ते उह मैनूं पहलों कहिंदा सीगा कि चल चलिए आपां, है ना, वी मेरी गड्डी 'च आपां चल पैंदे हाँ जी, उह वी तूं लै ला वीज़ा। मैं उदों लिया नहीं वीज़ा, बाद विच फिर एकदम ही मैं सोचा मैं कल लै लें वीज़ा। तो वो वीज़ा वगैरह सारा मैं अपॉइंटमेंट ले ली, अप्लाई कर लिया वीज़ा, तो वीज़ा लग गया, मतलब ईजी सीगा। हुण मैनूं मैसेज ये आउंदे सीगे कि हंगरी दे वीज़े वास्ते डॉक्यूमेंट की चाहिए। पहलों मेरे को वीज़ा सीगा, पहला मैं ऑस्ट्रेलिया का, तो उहदे मैं डॉक्यूमेंट सारे दसे सीगे, ये वीज़ा हंगरी का वा, तो ये भी मैं कहा चलो डॉक्यूमेंट दस देने, है तो सेम ही आ डॉक्यूमेंट, कोई वो नहीं है, बट फिर भी मैं अपने दस दिना। पहले मैं तुम्हें वीज़ा दिखा दिना कि वीज़ा मेरा ये सीगा अपना हंगरी का वीज़ा, मैं तुम दिखाया वा। क्रिसमस तो पहलों का मैनू मिल गया सीगा वीज़ा, मैं हूँ तो मैं पासपोर्ट मिल गया सी, बट पासपोर्ट मेरा ना साढ़े ऑफिस के पिया सीगा, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करने से वो करके पासपोर्ट, जिते मैं काम करदा ऑफिस साडा उत्थे ही पिया सीगा, तो मैं काफ़ी दिनों चक्या भी नहीं सी पासपोर्ट, तो अज थोड़ा जिहा काम सीगा उत्थे घंटे का, तो फिर वो मालक मेरा कहिंदा भी अपना पासपोर्ट भी लै ला, कई बार लोड़ पै जाती, मैं चक लिया। फिर आउंदे आउंदे दिमाग च होया भी चलो वीज़ा हैगा वो वीडियो बना दें। कारण की सी क्योंकि मैनूं बहुत मैसेज आ रहे थे हंगरी ते वीज़े बहुत लगते पे इस टाइम रोमानिया तो, वो मैंने चल पा इतने वीडियो बना दें एक, है ना, तुरे जाते टाइम शाम के 5 बज गए, तो मैं कहा चलो थोड़ा जहा दस दें डॉक्यूमेंट बारे बारे, सो इस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीज़ा मिल गया वा, वीज़े का सौखा प्रोसैस का कोई औखा नहीं है। डॉक्यूमेंट सुन लो, पहला तो शेंगन वीज़ा फॉर्म जिहड़ा तुसीं फिल करना, जिहड़ा हर कंट्री के वास्ते करना पैंदा वा, जिहड़ी शेंगन जोन की कंट्री है जी उहदा तुसीं वीज़ा अप्लाई करना, वो उस तो बाद रिटर्न टिकट, आने जाने की टिकट कोई महंगी नहीं हैगी हंगरी की, रोमानिया तो हंगरी की बस की ट्रेन की, तो चाहे तुसी बाय एयर लै लो 100 यूरो की सानू मिल जाती है आने जाने की। दो डॉक्यूमेंट हो गए, तीसरा डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस जिहड़ा 20 यूरो का हो जाता वा, 19-20 यूरो का एक महीने वाला, वो तो मैं वीडियो बनाई है चैनल पर जाकर तुसी देख लियो, जे किसी इंश्योरेंस बारे ना पता लगे तो उत्थों तुसी कर सकते ईजी तरीके। तीसरा हो गया, चौथा तुहाडा पासपोर्ट जिहड़ा घट्टो घट्ट 6 महीने तक वैलिड होवे, ते स्पैशली जिहड़ी प्रॉब्लम मेरे नाल होई उह तुहाडे नाल होवे कि तुहाडे पासपोर्ट तुहाडा भरिया ना होवे, उहदे घट्टो घट्ट 3 तों 4 पेज जिहड़े उह खाली होण, ठीक आ। कुछ कंट्रियां की करदियां, जे तुहाडे 2 जां 3 पेज जिहड़े खाली आ तो वीज़ा नहीं दिंदे हैगे, उह फाइल वापस कर दिंदे कि अपना पासपोर्ट नवा बनाओ, ये चीज़ मेरे नाल होई आ। ते कुछ कंट्री जिहड़े आ वीज़ा दे दिंदे आ, उन्होंने ये नहीं लेना देना है, उन्होंने ये भी तुहाडे पासपोर्ट के 1-2 पेज होने चाहिए, मैक्सीमम 2 पेज तुहाडे होने चाहिए आ वीज़ा मिल जाता। तो हंगरी ने मैनूं एक्सैप्ट कर लिया, उन्होंने कहता भी असीं दे देंगे तैनूं वीज़ा, मेरा पासपोर्ट फिर मैं भरया ही आ, 2 पेज वा जिहड़े खाली आ, सो मैं ट्राई की। तो पहलों फस्ट जाके मैं यही पुछया सीगा कि मेरे पासपोर्ट दिया 2 पेज वा खाली, 2-3 जो तुसीं वीज़ा दे सकते तो दसो, नहीं तो मैनूं नवा बनाना पैना, बट वो कहिंदे कोई इशू नहीं है। तो होर जिहड़े कंट्री आ तो उन्होंने ना कर दित्ती,
तो इस करके मैं ट्राई कर लिया। फिर तुहाडियां पासपोर्ट दियां पासपोर्ट साइज फोटो कापियां फोटो जिहड़ियां वा वो अपने कोल रखियो, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन मिल जाती है, बहुत ईजी है, सौखे तरीके अपॉइंटमेंट मिलती है, कोई औखा नहीं है। अपॉइंटमेंट चाहिए होंगी है, इंश्योरेंस हो गया, अपॉइंटमेंट होगी ताकि रिटर्न टिकट होगी, होटल बुकिंग booking.com तो कर लो, अगोटा तो कर लो, पेड नहीं करनी हैगी वो तुसी मतलब उदा बुक कर लेनी है, पेड नहीं करनी, पे नहीं करने पैसे, ठीक है। तो वो होगी वो भी ईजी मिल जाती है, ये डॉक्यूमेंट सारे हो गए मस्ट हैगी सब तो भी, मतलब तुसी मैक्सीमम एक वीक या दस तो घट्टो घट तुसी 10 to 15 दिन के जो ट्रैवल प्लैन बनाओ, 10 दिन का वीज़ा अप्लाई कर बुकिंग कर लो, 15 की 12 की इदा तुसी इन्नी बुकिंग करो। तो यही है कि तुसी 2 महीने या 3 महीने का कर लो ट्रैवल प्लैन या 3 महीने वीज़े 10 to 15 दिन का जो ट्रैवल प्लैन बनाई दा हुंदा वा, इन्नी क दिन का ही वीज़ा अप्लाई करी दा हुंदा। आइटनरी बहुत जरूरी है कि तुसी हंगरी दे विच कित्थे कित्थे घूमना, जे तुसी 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करते हैं 1 to 10 दिन का सारा ही ट्रैवल प्लैन एक्सप्लेन करना तुसी रिटर्न दे विच, ते उत्थे दस बुदापेस्ट चलने देवरसन चलने आ कित्थे चलने आ तुसी तो शहर विच कि चीज़ तुसी घूमनी आ या उत्थे तुहाडा कोई दोस्त मित्र हैगा वा किनू मिलना की करना, ये सारा कुछ पुछदे आ मोस्टली। जे डिपेंड ऑन मूड हुंदा वा काउंसलर दे अंबैसी दे विच जिहड़ा तुहाडे नाल गल कर रहा वा अंबैसडर, उत्ते डिपेंड हुंदा वा कि उह तुहानूं पुछ सकदा वा। सो इस करके अपनी पूरी तैयारी करके जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट वा ये चीज़ डॉक्यूमेंट नालों ज़्यादा इत्थे मानिया विच, ते उह तों पहलां अप्लाई करन तों पहलां ट्रैवल हिस्ट्री जरूर बना लो, 2-3 कंट्री तुसीं घूम आओ, ठीक है, तुहाडी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाणी आ, तो उस तों बाद तुसीं ईजीली वीज़ा लै सकदे आ। सो मेरा हुण पता नहीं मैं जावां कि ना जावां, है ना, डिपेंड ऑन मूड आ जा टाइम के हिसाब न, बट मैनू वीज़ा मिलया। मैं पहले तो मैं नहीं वीडियो बना चाहता सी क्योंकि मैं सोचता है कि भी होर बहुत बंदे जिन्होंने बनाती वीडियो ईजीली वीज़ा मिलता पाया हंकरी का, कोई इशू नहीं है, कोई वड्डी गल नहीं हैगी, तुहाडे डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर आ ते तुहानू वीज़ा मिल जाना। ये जिहड़े डॉक्यूमेंट इस तों बाद च कंपनी के डॉक्यूमेंट जिहड़े तुहाडे कोल होने चाहिए आ, NOC जिहड़ी कंपनी वालों वो लगनी है नाल, उस तों बाद तुहाडा कॉन्ट्रैक्ट वो तुहाडे कोल होना चाहिए, तुहाडे काम का कॉन्ट्रैक्ट वो होना चाहिए जरूरी, वो भी तो 2 डॉक्यूमेंट ये आ, तो ये भी तुसीं नाल पाउणे आ। TRC कार्ड वैलिड घट्टो घट 3 to 4 महीने का तुहाडा हो गए तो वीज़ा मिलने आसानी हो जाती है, तो ये चीज़ा वा। तो यही डॉक्यूमेंट सके, मोस्टली डॉक्यूमेंट बारे गल करनी सी, तो हंगरी वास्ते यही डॉक्यूमेंट आ। जो तुसी कमेंट करके पुछोगे तो भी यही आ, मैंने इंस्टाग्राम पर कॉल करोगे या मैसेज करोगे तो भी मैं यही दसने हैं, तो बाकी ऑफिशियली वैबसाइट पर तुसी चैक कर सकते हैं, ठीक है। हंगरी के वीज़े मिलते पे आ रमानिया तो ईजीली आ, कोई बहुत औखा नहीं है, बहुत लोग ले रहे हैं वीज़े, ठीक है, चाहे किसी ने 2-3 कंट्री घूमे आ चाहे किसी ने 10 घूमे आ, वीज़ा मिल जाता वा जो तुहाडी ट्रैवल हिस्टरी जी वधिया वा। तो ट्राई करो कि जिहड़ा वीज़ा अप्लाई करना वा हंगरी का या तुसी शेंगन दे किसी भी कंट्री का इंडिया तो जो तुसी आए हैं रोमानिया, घट्टो घट 6-8 महीने तुहानू इत्थे आयानू हो गए, उस तो बाद ट्राई करो, ये नहीं कि तुसी आ गए हैं तो 3 महीनों बाद ही तुसी वीज़ा अप्लाई कर लो, नहीं मिलता है। कई मैनू इदा के मैसेज करते हैं जिन्हें TRC कार्ड अज आने वो कहते सी वीज़ा अप्लाई करना, वो चांस घट जाते हैं तो रिजैक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। सो इस करके थोड़ा टाइम ला लो, ठीक है, 6 महीने ला लो तो तुसी ट्राई कर सकते हंगरी के वीज़े वास्ते कड़े कड़े डॉक्यूमेंट चाहिए आ। बाकी जिहड़ा वीज़ा फॉर्म कितना फिल करीदा वा वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा तुहानू कि अपना जिहड़ा वीज़ा फॉर्म तुसी आप फिल कर सकते हैं, तो उहदा PDF तुहानू जो मेल कर दी ना अंबैसी कोई भी वो जो मेल कर दी है तुहाडी मेल का रिप्लाई दिंदी है भी कड़े कड़े डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट के PDF हुंदा वा, तुसी उस लिंक नूं ओपन करोगे तो तुहानू जिहड़ा वीज़ा फॉर्म मिल जाना, वो भी फोटो कापियां कढ़ा के, ठीक है, कढ़ाउण तों बाद फिल कर लो, सौखा तरीका, कोई औखा नहीं, नहीं तो तुसी गूगल तो भी डाउनलोड कर सकते हैं जिहड़ा वीज़ा फॉर्म आ हंगरी का, मतलब सेम ही हुंदा सारे कंट्रियां का, एक ही वीज़ा फॉर्म लगता वा,
ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ, ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, NOC ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।